अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए, और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे रोटी से बनने वाला एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी नाश्ता। ये झटपट बन जाता है और बहुत ही सिंपल है बनाने में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सो इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। इसमें हमें लगेगा राई, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पत्ता, 10 से 12 कड़ी पत्ते और एक बारीक कटा हुआ प्याज और रोटियां। रोटियों को सबसे पहले हमें बारीक कर लेना है। इसे आप हाथ से भी कर सकते हो या फिर मिक्सी के जार में डाल के एक बार इसे ब्लेंड कर लेना है। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा ये। देखिए इसे मैंने अभी मिक्सी में पीस लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेना है। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे राई और जीरा। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कड़ी पत्ता। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। इसके लिए हार्डली 1.5 से 2 मिनट लगेगा। देखिए ये अभी हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। अभी इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मसालों में अभी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट ऐड करूँगी। और मसालों को एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक ऐसे ही स्टर करते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें रोटियां ऐड करेंगे। रोटियां ऐड करने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बेसिक और इजी रेसिपी है ये। कभी कभी क्या होता है, रात की रोटियां बच जाती है या सुबह की रोटियां बच जाती हैं, तो सेकेंड टाइम इन्हें खाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप ऐसे इसे फ्राई करके खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो देखिए अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये मिक्स होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा शक्कर ऐड करूँगी। एकदम हल्का सा टेस्ट आना चाहिए ऐसा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे 1-2 मिनट तक, ताकि ये स्टीम से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट बाद इसमें हम धनिया ऐड करेंगे और ये रोटी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन के रेडी है। इसे गरम गरम सर्व कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।